हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 15A का है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और ये आरएस वागल बुक से है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर सबको जानता होगा, कोई भी क्लोज फिगर हो, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, उस क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ है, सारा बाउंड्री का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो और इस क्वेश्चन में कौन सा फिगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि अगर हमको एक साइड भी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उतना ही मेजरमेंट इसका भी होगा, उतना ही मेजरमेंट इसका भी होगा, तो यानी कि इंटू थ्री कर देंगे, एक साइड के मेजरमेंट का जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम इंटू थ्री कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या गिवेन है, जो चीज पहले दिया होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवेन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4a² ठीक है, √3/4a² तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से यहां दिया हुआ है, उसके जगह पर हम क्या करेंगे, उसका एरिया का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह होगा 36√3 इज इक्वल टू √3/4a². ठीक है, √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 नीचे आने वाला है और फिर भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो a² = हमें क्या मिला, a² = 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 36 × 4। ठीक है, देखें यहां पर हमको क्या करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस जगह पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये a² का वैल्यू है, यानी कि ये अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहां रूट लगेगा, ठीक है ना, तो और स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए हम जो वैल्यू पेयर्स में होता है वो बाहर एक करके निकलता है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, रूट के अंदर करके इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि हम 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। क्लियर, यानी कि यहां 6 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, तो एक एक करके बाहर आ जाएगा, यानी कि बाहर आएगा 6 × 2, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है ना, इसमें गलती होने का चांसेस कम रहता है, इसलिए कोशिश करना है कि जितना सिंपल होके कैलकुलेशन करें वो सही रहेगा। तो a का वैल्यू हमें कितना मिला, 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्राइंगल का, ठीक है, सारे साइड्स कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरीमीटर कितना होगा, ये 12 12 12, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसलिए किसी चीज को हम तीन इक्वल चीज को हम एक साथ ऐड करते हैं तो उसको 3 times कर दिया जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 times of a, ठीक है, या फिर 3a भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 3a, तो 3 × 12 यानी कि 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी बेसिक था, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन में हमको सीखना है कि किसी चीज को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जो काफी बेसिक क्वेश्चन होता है 2 नंबर में दे देता है और हम लंबे प्रोसेस से सॉल्व करते जाते हैं और कैलकुलेशन सही नहीं होने की वजह से फाइनली हमारा कभी कभी जल्दबाजी में आंसर भी गलत आ जाता है, इसलिए हमको कैलकुलेशन कैसे करना है इस बात को भी ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।